दोस्तों इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं भारत से, जहां भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है, हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है, तब जाके अमन होगा, तब जाके अमन हमारी कंडीशन पे होगा। एक बेचैनी है, पूरी दुनिया में बेचैनी है, अमेरिका में भी, मगर वेस्ट में भी, पाकिस्तान में भी, हर जगह। तो उन्होंने क्या किया कि नाउ इज आर टाइम दैट वी नीड टू कीप पाकिस्तान इंगेज ऑन इट्स टेरिटरी, इसके ऊपर वो आजकल काम कर रहे हैं। डिबेट ये हो रही है कि टर्की और पाकिस्तान की मेंबरशिप ब्रिक्स के अंदर ब्लॉक की है इंडिया और चाइना ने। उसकी वजह यह है, चीमा साहब, आपको पता है कि रशिया, चाइना और इंडिया आपस में they are already dealing with each other in their own currencies. ये जो ब्रिक्स है उसमें 13 मुल्कों को पार्टनरशिप देती है ब्रिक्स ने, और यहां पर जनाब इसहाक डार साहब कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मुझे बताएं कि ये इसमें पाकिस्तान क्यों नहीं है। अहमद उवैस साहब से जरा समझ लेते हैं कि गंडापुर साहब कहाँ गायब हो गए थे। अहमद उवैस साहब, गंडापुर साहब भी गायब हो गए, आप लोगों की जो बड़ी क्यादत है, बड़े चेहरे हैं, वो भी गायब हो गए। टर्की का रास्ता इसलिए रोका है कि चाइना को ये परेशानी है कि ये टर्की जो आए दिन बोलता रहता है वीगर्स के मामले पर, वीगर मुस्लिम्स के बारे में, टर्की का और उर्दगान का जो स्टैंड है वो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी का बयान काफ़ी वायरल है, जिस पर पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा बात कर रहे हैं कि भारत की नई सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने, पाकिस्तान को पाकिस्तान के ही अंदर इस बुरी तरह से फंसाया है कि पाकिस्तान खुद में ही उलझ के रह गया है, और भारत एक समय जो कि पाकिस्तान के डिफरेंट हथकंडे या फिर आतंकी कार्रवाइयों से भारत खुद भारत के अंदर ही उलझा रहता था, लेकिन भारत की नई सरकार की पॉलिसी ने यह सब उलट कर दिया मामला। तो वहीं पे, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ब्रिक्स की समिट हुई, जिसके अंदर पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की को भी ब्रिक्स की मेंबरशिप नहीं मिली है, जिसमें नोट करने वाली बात यह है कि टर्की को पार्टनर मेंबर्स बनने का मौका मिला है, लेकिन उसको जो कोर मेंबर होता है उसमें शामिल नहीं किया गया। तो वहीं पर पाकिस्तान को न तो ब्रिक्स की कोर मेंबर में शामिल किया गया, न ही ब्रिक्स के जो प्लस मेंबर्स हैं या फिर पार्टनर मेंबर्स कहें, उनमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, जिसके कारण पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी बौखलाई हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि कुछ दिन पहले ही रसिया ने पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होने की बात कही थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का नाम नहीं आ पाया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं भारत से, जहां भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब, वो बंदा है जो सोचता है, प्लान करता है नेशनल सिक्योरिटी डोमेन में, और पर्टिकुलरली ये जो अमेरिका और कनाडा के साथ इनके जो मसले बने हैं उसमें वो कह रहे हैं जी अमित शाह ने ये कहा है। अमित शाह माइट हैव सेड दैट, लेकिन द मैन हु इज बिहाइंड ऑल दिस थिंग इज मेरी असेसमेंट में डोवल साहब है। डोवल साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है, हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है, तब जाके अमन होगा, तब जाके अमन हमारी कंडीशन पे होगा। इसमें दी ओनली कंट्री वे डॉक्टर वे एनएसए डोवल साहब जो हैं वो जिसके ही टॉकिंग अबाउट इज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। सारी बात है, वो अफगानिस्तान की तो नहीं बात कर रहे, वो मालदीव्स की बात तो नहीं कर रहे। पिछले 77 सालों से इंडिया पाकिस्तान के मसले हैं ना, तो वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कि जो रिसेंटली यहाँ पे हमले हुए। तो जो डोवल साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं दुश्मन के अंदर जाओ, सो इट मींस कि टारगेट हाफिज सईद इन साइड द टेरिटरी, टारगेट फॉर्मर मुजाहिदीन इन साइड पाकिस्तान, सो दैट द मोर देयर द मोर यू इंगेज पाकिस्तान इन साइड द टेरिटरी द बेटर इट विल बी फॉर देम। बिकॉज इंडिया ये समझता रहा है हम इंगेज रहे हैं अपनी टेरिटरी में, इंडिया ये कहता है कि कश्मीर में जो इंडिया इंगेज रहा है पाकिस्तान से लड़ाई में। तो उन्होंने क्या किया कि नाउ इज आर टाइम दैट वी नीड टू कीप पाकिस्तान इंगेज ऑन इट्स टेरिटरी, इसके ऊपर वो आजकल काम कर रहे हैं। ये है बेसिकली वो माइंडसेट जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, और जयशंकर साहब भी यही कह रहे हैं कि 2020 से सिचुएशन वॉज नॉट गोइंग गुड, निगोसिएशन चाइनीज के साथ चल रही थी, अब ये जो डेस्पैंग एंड डैम चौक है वहां पे अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और जयशंकर ने कहा है कि मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात तभी हुई है जब डिसएंगेजमेंट हुई है। सो
वो कह रहे हैं कि मिलिट्री डिप्लोमेसी ने भी काम किया और डिप्लोमेट्स ने भी काम किया। सो इंडिया जो है, मैं एक बात बताऊं आपको, द लेवल ऑफ क्लैरिटी इन फॉरेन पॉलिसी विच एंड द वे डॉक्टर जयशंकर स्पीक्स, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि एटलीस्ट अ पर्सन इज स्पीकिंग। हमारे लीडर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो बोलते ही नहीं है यार। आज वो कनाडा को भी टारगेट कर रहे हैं दोबारा, वो कहते हैं जी हम रिजेक्ट करते हैं जिस तरह कैनेडियंस ने हमें, हमारे हाई कमिश्नर को टारगेट किया, हमने ऑर्गेनाइज क्राइम का मसला कनाडा के साथ उठाया। सो मुझे ऐसा लगता है कि जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस दे आर टॉकिंग विद एवरीवन, दे आर गिविंग दे, वो हर एक के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन मैं फिक्स हूँ इस वक्त इस सिचुएशन पोजीशन के ऊपर जो दोवल साहब ने कहा, वो कहते हैं, और दूसरा वो कह रहे हैं कि अपने आप को अवेलेबल रखें फॉर दिस थिंग के इंडिया के जो खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है। सो बेसिकली दिस इज एन आइडियोलॉजिकल बैटल ही वांट, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर। डिबेट ये हो रही है कि टर्की और पाकिस्तान की मेंबरशिप ब्रिक्स के अंदर ब्लॉक की है इंडिया और चाइना ने, तो इसके ऊपर जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं, इसमें कई एक ऐसे आर्टिकल्स भी पब्लिश हो रहे हैं और एक रशियन डिप्लोमेट हैं जिन्होंने इसको ऐसे एनालाइज किया है कि पाकिस्तान्स अटेम्प्ट टू जॉइन ब्रिक्स हिट ए रोड ब्लॉक व्हेन इट वाज नॉट नेम्ड एज ए पार्टनर कंट्री इन द ग्रुप्स एक्सपेंशन। इंडियाज ऑपोजिशन इज सीन एज ए की रीजन फॉर पाकिस्तान्स एक्सक्लूजन despite the support of some founding nations like Russia and China, yani China iske bare mein kuch nahi kar saka Pakistan ke liye, to Russia ne kya Pakistan ko accept kiya ke BRICS mein shamil kiya jaye, kya aisa hai? Lekin kyunki India iske liye taiyar nahi tha, ab isme jo visit hua Russia ka Pakistan mein, uske bare mein kaha gaya ke during a visit to Islamabad last month, Russian Deputy Prime Minister Alexei held discussions with the Pakistani leaders expressing Moscow's support for Pakistan's inclusion in BRICS. To iske matlab ye hua ke jo Russia hai wo is cheez ke liye taiyar tha aur wo uske liye koi problem nahi thi ki agar Pakistan ko shamil kar liya jaye. Uska matlab ye thodi hai ki wo India ki baat nahi manenge aur kahenge ki nahi nahi koi baat nahi, agar aapki jo ye dushmaniyan chal rahi hain to koi baat nahi hai, chale shamil kar lete hain, aisa nahi ho sakta. Baat unhone India ki mani thi. Aur phir dekhiye Turkey ki, आपको पता है टर्की के साथ क्या हुआ है? टर्की के बारे में जो बात की जा रही है वो ये है, हर तरफ पब्लिश हो रहा है और इसके ऊपर बात हो रही है कि टर्की का रास्ता रोका है चाइना ने और इंडिया ने। टर्की का रास्ता इसलिए रोका है कि चाइना को ये परेशानी है कि ये टर्की जो आए दिन बोलता रहता है वीगर्स के मामले पर, वीगर मुस्लिम्स के बारे में, टर्की का और उर्दगान का जो स्टैंड है वो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि जो उर्दगान कश्मीर के बारे में एक दो बार बोल चुके हैं और पाकिस्तान के हक में भी बोल चुके हैं, तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती भी एक बड़ी वजह बनी है टर्की के ब्लॉक होने की। ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका रिसेंटली रिजेक्टेड टर्की इज बिड फॉर मेंबरशिप।